हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलेन एकेडमी। मेरा नाम है रणवीर गुप्ता। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने, या बोल सकते हो मोदी की गवर्नमेंट ने, एफडीआई के नियमों में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव किए गए हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक को देखते हुए। इसके मद्देनज़र जितनी भी ज़रूरी कदम उठाने थे गवर्नमेंट को, उन्होंने एफडीआई में चेंजेस ला के वो कदम उठाए हैं और हम इसी को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिंस, इफ यू विजिट फर्स्ट टाइम इन अवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन and also like our Facebook page. This is our Facebook page and also like our Instagram page. Both links are available in the description, so please go and follow our on Instagram and Facebook. Friends, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे new FDI FPI classifications by SEBI to hit many offshore funds. ये जो है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय, क्योंकि इंडिया ने जो ये कदम उठाया है, जो इंडिया का ये मूव है ना, इससे जितनी भी हमारी नेबर्स कंट्री हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि शेयर मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है, ना कि इंडिया की, ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी शेयर मार्केट्स क्रैश कर चुकी हैं इंस्टेड ऑफ चाइना। चाइना की शेयर मार्केट क्रैश नहीं हुई है, दे हैव लॉट ऑफ कैश एंड देयर स्टॉक्स एंड देयर शेयर मार्केट्स आर इन गुड कंडीशंस। तो आप बोल सकते हो कि उनके जो स्टॉक्स हैं, उनके पास जो भी स्टॉक्स हैं, जो उनके शेयर मार्केट्स हैं, उनके पास कैश का जो फंड है, ये सब उनके पास इनफ है और वो इसी चीज़ का फ़ायदा इंडिया में उठाने वाले थे। ठीक है, इंडिया में वो लोग शेयर्स खरीद रहे थे वन बाय वन, क्योंकि यहाँ के शेयर्स जो हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से बिटे हुए हैं और बहुत ही सस्ते हो चुके हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली एक न्यूज़ जो है वो बहुत ही ट्रेंड कर रही थी अभी एक वीक पहले, कि HDFC लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो बिके हैं। और सबसे ज़्यादा शेयर्स किसने खरीदे हैं, चाइना ने खरीदे हैं। चाइना के किसने खरीदे हैं, पीपल बैंक ऑफ चाइना। जैसे आपने RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही वहाँ का जो बैंक है वो है पीपल बैंक ऑफ चाइना। तो पीपल बैंक ऑफ चाइना ने HDFC ना कि मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, HDFC लिमिटेड ये होम लोन्स एंड अदर लोन्स जो है वो देती है। और मतलब बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है HDFC जो है, वो कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, इंडिया में बहुत ही बड़ी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है। उसी के शेयर्स इन्होंने आके सडन आए और ऐसा शेयर्स खरीदा ना कि सबकी मतलब बत्ती खुल गई कि अरे ये क्या हो रहा है भाई। आए, शेयर्स लिया और फिर रो गए। ठीक, शेयर्स क्यों लिया, क्योंकि शेयर्स तो भाई पिटे हुए हैं, शेयर्स इस समय समझ लो अंधाधुन एकदम सस्ते हो गए। वो आए फट से, उन्होंने पीपल बैंक ऑफ चाइना ने शेयर्स खरीदे और अपनी जो हिस्सेदारी है ना उसको HDFC लिमिटेड में बढ़ा लिया। कितने शेयर्स हो गए उनके, 1.01%। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि 1.01% जो है बहुत ही कम नंबर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक फॉरेन कंपनी के लिए 1.01% इज़ अ लार्ज नंबर, ह्यूज नंबर आप बोल सकते हो। इतने शेयर्स एक्वायर कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि सडन उन्होंने 1.01% परचेज कर लिया, नहीं, उनके पास 0.80% थे, बट उन्होंने 0.21% जो है वो खरीदा और अब उनका टोटल हो गया है 1.01%। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा शेयर्स उन्होंने एक्वायर किए हैं। उसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने FDI के जो नियम हैं उन्हें बदलाव किए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मे बी इससे जो क्वेश्चंस है वो ज़रूर बनेंगे आपके एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए, HDFC लिमिटेड करती क्या है। HDFC लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करती है फाइनेंस सर्विस कंपनी को, या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस है उनको लोन्स प्रोवाइड करती है। HDFC बैंक ने ही प्रमोट किया है, हालांकि आपको पता होगा कि सेम ही कंपनी है HDFC लिमिटेड और HDFC की जितनी भी ब्रांचेज हैं ऑलमोस्ट सब एक ही हैं, बस अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं। ठीक है, और इतने शेयर्स चाइना ने एक्वायर कर लिए हैं HDFC लिमिटेड के कि उसकी अच्छी हिस्सेदारी है, भारत का जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो देखा जाए तो ऐसे धीरे 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 काम के कम हो जाएगा। यही प्रॉब्लम था, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसीज़ होती हैं ना कंपनीज़ की, इंडियन गवर्नमेंट्स की हो गई, चाहे किसी भी गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होती है वो उसके शेयर्स पर डिपेंड करती है। जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होंगे, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसी की होगी, वही डिसीजन लेगा। ठीक है, जैसे ही ये न्यूज़ निकल करके आई ना कि HDFC लिमिटेड के शेयर्स पीपल बैंक ऑफ चाइना ने परचेज किए हैं और इतने शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, ये न्यूज़ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी ट्रेंड होने लगी। क्योंकि आपको पता है कि सारे शेयर मार्केट क्रैश हो चुके हैं, ऑलमोस्ट क्रैश ही हो चुके हैं, बट चाइना की जो शेयर मार्केट है वो क्रैश नहीं हुई है, उनके पास फंड्स भी हैं, उनके पास कैश भी है। इसी का डर था कि इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं, क्योंकि टेक ओवर करने का भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। कि मान लीजिए अभी तो 1% है, धीरे धीरे करके अगर इन्होंने 10% या 15% एक्वायर कर लिया, 10 से 15% तक शेयर्स या 18% तक शेयर्स जो हैं वो एक्वायर कर लिए, तो क्या होगा कि उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, वो डिसीजन लेंगे, इंडिया डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं। अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है FDI और दूसरी होती है FPI, बोथ आर डिफरेंट। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट,
एंड दूसरी होती है FDI जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों ही अलग अलग होती हैं, हम यहाँ बात करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, लेकिन हम डिफरेंस भी जानेंगे कि FPI और FDI में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए पहले FPI समझते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई फॉरेन की कंपनी है, या सपोज अभी आई थी पीपल बैंक ऑफ चाइना, इसने HDFC के, मैंने आपको बताया कि HDFC के जो शेयर्स हैं वो परचेज किए। तो अगर वो कोई फॉरेन की कंपनी है, या मान लीजिए कोई बैंक है, या कोई भी है फॉरेन का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हमारे इंडिया में, वो आया उसने शेयर मार्केट्स मतलब खरीद शेयर मार्केट्स के थ्रू स्टॉक जो है वो परचेज किए। ठीक है, अब वो नंबर्स अगर 10% से कम है, अगर 10% से कम है तो वो आएगा FPI में। वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट रूट या गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टॉक मार्केट के थ्रू शेयर परचेज कर सकता है और अपनी जो हिस्सेदारी है वो उस कंपनी में बढ़ा सकता है, लेकिन सिर्फ 10% तक, 10% शेयर वो एक्वायर कर सकता है। इसके आगे अगर वो एक्वायर करता है तो उसको बोला जाएगा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अलग टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि कोई फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया के सिर्फ 10% शेयर ही एक्वायर कर सकती है, 10% शेयर ही खरीद सकती है। इससे ज़्यादा अगर वो खरीदती है तो वो FPI में नहीं, वो FDI में आएगा। अब देखिए एक चीज़ और होती है, जो FPI आपका होता है ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। कि मान लो अभी जैसे इंडिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है, शेयर्स सस्ते हो चुके हैं, शेयर्स के भाव गिरे हुए हैं, तो फॉरेन कंपनी आई, उनको लगा कि चलो शेयर्स सस्ते हैं खरीद लेते हैं, और मान लो इनकी इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल है ये ग्रो तो करेंगे ही करेंगे, जब महंगे होंगे तो वापस से बेच के निकल लेंगे। तो वो 1-2 साल में क्या करते हैं, देखते हैं, और जैसे ही भाव बढ़ते हैं शेयर्स के वो बेचते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता उनका, लेकिन FDI जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पर बहुत ही पॉलिटिक्स की जाती है। तो चलिए उसको समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 10% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लिए अगर किसी फॉरेन कंपनी ने, तो वो सीधे आ जाते हैं FDI के क्राइटेरिया में, यानी हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जैसे ही वो 10% से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर करते हैं, उनकी जो अथॉरिटी है ना कंपनी में, मान लो इंडिया की HDFC है, 10% से ज़्यादा एक्वायर कर लिया ना, तो उनकी अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, और ये बहुत ही डर की भी बात है। यही प्रॉब्लम था, यही एक मोटा मोटा इशू था HDFC के साथ, कि ये जो मेजर्स हैं ये लिए गए। अब देखिए प्रेजेंट पोजीशन क्या थी, प्रेजेंट पोजीशन मतलब पहले, अभी तो चेंजेस हुए हैं, इससे पहले क्या था कि अगर मान लीजिए कोई रेसिडेंशियल एंटिटी नहीं है, मतलब इंडिया की कोई रेसिडेंशियल एंटिटी नहीं है, फॉरेन की एंटिटी है, फॉरेन का बैंक है, कंपनी है, पीपल है, कोई भी है फॉरेन का, वो आता था FDI के थ्रू 10% से मतलब ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर सकता है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर वो बांग्लादेश की कंपनी या बांग्लादेश का नागरिक है, या पाकिस्तान की कंपनी है या पाकिस्तान का नागरिक है, तो उसको गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की यानी इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इस इज़ नॉट अ ईजी टास्क, ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये कैबिनेट तक जाता है। बांग्लादेश के लोगों के लिए, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं, वहाँ की जो बैंक्स हैं, अगर उनको शेयर्स एक्वायर करने हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल तो है बट ईजी नहीं है। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन और क्या है कि आप एरोस्पेस, एटॉमिक एनर्जी और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, इन सब सेक्टर्स में आप शेयर्स नहीं एक्वायर कर सकते। किसी भी फॉरेन कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो इन सब कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब बात करते हैं कि चेंजेस क्या हुआ है, क्या रिवाइज़ किया है इन्होंने पॉलिसी में। देखिए रिवाइज ये किया है कि जो भी कंट्री इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करेगी, ठीक है, जो भी कंपनी सॉरी जो भी कंट्री जो है वो इंडिया के साथ अगर बॉर्डर शेयर कर रही है, तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी FDI करने में। मतलब 10% से ज़्यादा शेयर्स अगर एक्वायर करने हैं, 10% से ज़्यादा शेयर्स अगर खरीदने हैं, तो उनको गवर्नमेंट्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पूरा मैटर जाएगा कैबिनेट में, वहाँ पे परमिशन मिलेगी, अदर उसके बाद ही इनको जो है शेयर्स खरीदने दिए जाएंगे, अदरवाइज शेयर्स खरीदने नहीं दिए जाएंगे। पहले वो 10% से ज़्यादा भी खरीद सकती थी भारत में, लेकिन अब क्या है कि अब वो 10% से ज़्यादा खरीदना है, अगर आप मान लीजिए चाइना है या और म्यांमार है या कोई भी कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, तो उनको 10% से ज़्यादा शेयर्स अगर लेने हैं तो इंडियन गवर्नमेंट्स के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो कदम है ये COVID-19 को देखते हुए ही उठाया गया है, क्योंकि कोई कंपनी आके इस सिचुएशन का फ़ायदा ना उठा ले, इसीलिए इन्होंने ये जो पॉलिसी में रिवाइज़ किया है कि COVID-19 में ऐसा ना हो जाए कि शेयर्स क्रैश हो ही चुके हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो ही चुकी है, वो लोग आएँ और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तो डूब रही है, वो लोग और इसी का फ़ायदा उठा के और ना डुबा दें। लेकिन अगर उनको FPI करना है, पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं उनको अगर FPI करना है, यानी 10% से कम शेयर्स खरीदने हैं, तो वो खरीद सकते हैं, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो लोग 10% से कम शेयर्स अभी भी खरीद सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के।
अब ये कुछ कंट्रीज़ हैं, मैंने इनके नाम को बता दिए हैं, 7 कंट्रीज़ हैं, लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार एंड मालदीव्स। ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं। और आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जो स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है, ये जो गवर्नमेंट का मूव है, ये सही है कि नहीं सही है? क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं जो चाइना से इंडिया में होने वाले थे, वो लोग अपना प्लांट यहाँ भारत में सेटअप करने वाले थे, लाइक चाइनीज़ मोबाइल का, शाओमी का एंड वेरियस अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो लोग सेटअप करने वाले थे, जहाँ पे 10% से ज़्यादा शेयर्स उनको खरीदने ही खरीदने थे। बट अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल आसान बात नहीं है। तो क्या ये इंडिया का मूव सही है कि नहीं सही है? आप मुझे मेल में बता दो, चाहे कमेंट सेक्शन में बता दो, चाहे फेसबुक पेज है वहाँ पे मैसेज कर दो, चाहे इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे मैसेज कर दो। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।